दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। आज की बात में इस बार मैं बात करना चाहता था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी में दिलचस्प पेशी और जिस तरह शासन प्रशासन राहुल गांधी से निपटने की कोशिश कर रहा है उस पूरे प्रकरण पर। हम इस विषय पर जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त देश के अनेक हिस्सों में भारत सरकार की बेहद विवादास्पद अग्निपथ योजना को लेकर बाबेला मचा हुआ है। सचमुच अग्निपथ जो है वो आग का रास्ता दिखा रही है। लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रेनें तक जली हैं, जलाई गई हैं। ऐसे उपद्रव की, इस तरह की गतिविधियों की को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये गलत हैं, बेहतर तरीका ये प्रतिरोध का, विरोध का नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अग्निपथ योजना के लिए भारत सरकार को, जो भारत की आर्मी, भारत की सेना के पूरे स्वभाव को बदलने वाली है, उसके पूरी संरचना में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाली है, सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी, और सिर्फ क्वालिटी की बात भी नहीं है, उसके पूरे नेचर, क्या सरकार को आनंद फानन में इस तरह की योजना को अमली जामा पहराने का कदम उठाना चाहिए था? क्या इस पर देश के जो राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, संबद्ध जो लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट्स हैं, आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, क्या इनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए थी? ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें इस देश में सोचती हैं कि अगर उनको चुनाव में एक बार कामयाबी या दो बार कामयाबी मिल गई तो उन्हें किसी राजा की तरह आदेश करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब एक चुनाव में जीतने के बाद उस देश की पूरी संरचना को, संवैधानिक मूल्यों को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं, शासन प्रशासन के जो निकाय हैं, उनको आमूल बदलने का अधिकार नहीं मिलता। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लोकतंत्र में एक नियम है, लेकिन कंसेंसस उसकी बहुत बड़ी बुनियाद है। ये दोनों चीजें साथ चलती रहती हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फैसला। मेजॉरिटी प्रिवेल करती है, माइनॉरिटी एक्सेप्ट करती है जिसके पास कम वोट होते हैं। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जो निर्णायक इश्यू हैं, जो निकायों में बदलाव करेंगे, जो संस्थाओं में बदलाव करेंगे, वो कंसेंसस उस पर जरूरी है। और इसीलिए पार्लियामेंट में दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटीज का गठन किया गया, और पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए, स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे सेलेक्ट कमेटी हो, जितनी कमेटीज हैं, इन कमेटीज के जरिए विधेयकों को पार्लियामेंट में पारित कराने से पहले या पारित कराने के बाद उन पर निर्णायक ढंग से बातचीत होती है। अलग अलग दलों के लोग वहां इंडिपेंडेंट ढंग से अपनी राय रखते हैं और फैसले किए जाते हैं। लेकिन अग्निपथ योजना को सरकार ने कहा कि अग्निपथ योजना, इसमें 4 साल बाद सिर्फ 25% लोग रह जाएंगे। 4 साल के लिए अग्निवीर सैनिक सेवा ये शुरू करने का प्रावधान है। 75% लोग सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एडजस्ट होंगे उनकी संख्या सिर्फ 25% होगी, और वो भी हो सकता है 25% न हो। एक दिलासा दिया गया है कि जो लोग नहीं एडजस्ट होंगे उनको बीएसएफ और सेंट्रल जो फोर्सेज हैं उनकी जब भर्ती निकलेगी तब उनको उसमें वरीयता दी जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि न जाने कितने वर्षों से भर्ती ही नहीं निकली। रक्षा मंत्री से लेकर के देश के तमाम बड़े ओहदेदार बोलते रहे कि जल्दी निकलेगी। अब किसको मालूम था कि आर्मी में भर्ती के बजाय अग्निपथ तैयार हो जाएगा।
और अग्निपथ वाकई इस देश में विवाद का बड़ा विषय बन गया। दोस्तों, ये केवल इन्हीं लोगों की बात नहीं है, इस साल 46,000 लोगों को अग्निवीर बनाने की योजना थी या है। कितनी ये जाएगी संख्या, इसके बारे में बहुत सारे एस्टिमेट्स मीडिया में सामने आ रहे हैं। और एक दौर ऐसा आएगा जब आर्मी में रेगुलर आर्मी के लोग जो हैं आधे होंगे और आधे अग्निवीर होंगे। आर्मी का पूरा स्वभाव, पूरी की पूरी संरचना, पूरी की पूरी प्रकृति बदल जाएगी। इस बारे में मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं इस मामले का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन देश के बेहद प्रतिष्ठित जनरल जिन्होंने आर्मी को लीड किया है कश्मीर जैसे इलाके में, डीएस हुड्डा ने, जनरल डीएस हुड्डा ने सेवानिवृत्त, उन्होंने कई आपत्तियां खड़ी की हैं इस अग्निवीर योजना पर। और अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि इसमें ट्रेनिंग अवधि 6 माह केवल है, यह बेहद नाकाफी है। किसी भी प्रोफेशनल आर्मी में सोल्जर्स के लिए, जवानों के लिए इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो नाकाफी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। तीसरी बात उनका कहना था कि रेजिमेंटल सिस्टम को ये सिस्टम इंप्लायमेंट का प्रभावित करेगा। तो डीएस हुड्डा जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, अन्य कई जनरल्स ने भी ये बातें इस तरह की कही हैं, लेकिन फैसला करते वक्त न जाने कितने एक्सपर्ट से बात की गई, कितने पार्लियामेंट्री कमेटीज में डिस्कशन हुआ, कितने विपक्षी दलों को विश्वास में लिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों, तोड़फोड़, आगजनी, सड़क रोकना, ट्रैफिक रोकना, ये कोई मसला नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अब बिहार के बाहर देश के कई प्रांतों में आंदोलन हो रहा है। अभी हमने खबर सुनी कि हरियाणा के रोहतक में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, एक नौजवान ने, ये टू बी कन्फर्म। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कई प्रदेशों में विरोध हो रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या करेगी, लेकिन अग्निपथ योजना अग्निवीरों को संभावित अग्निवीरों को उनके दिल में आग लगा रही है, उनके दिल को जला रही है। उन्हें न तो पेंशन मिलेगी, न तो उनको और कोई चीज़ मिलेगी, और कोई बेनिफिट्स मिलेगा। और जब वो लौटेंगे अपने कार्यकाल को पूरा करके, वो करेंगे क्या, वो गांव में क्या करेंगे, कस्बों में क्या करेंगे, उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न होगा। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त एक टिप्पणी मैं इस पर करना चाहता था। और बिल्कुल संक्षेप में मैं दूसरे प्रकरण को भी लूंगा इस सप्ताह के, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, राहुल गांधी की ईडी में पेशी। ईडी आप जानते हैं जो हमारे देश की इस तरह की संस्थाएं हैं उनको लेकर क्या स्थितियां बन रही हैं। लेकिन ईडी केवल विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाता है? ईडी क्या ये जान गया है, कोई निष्कर्ष निकालने, नतीजा निकालने का उसको एक अधिकार मिल गया है कि इस देश में कोई भी करप्ट प्रैक्टिस अगर कहीं हो रही है तो वो या तो आम लोग हैं या विपक्षी लोग हैं? पहले लोग कहते थे कि जो सत्ता में होते हैं उनको गड़बड़ करने का ज्यादा उनके पास रास्ता होता है गड़बड़ करने का। पहले यही होता था, लोग नारे लगाते थे कि अमुक मंत्री, अमुक नेता, अमुक सत्तारूढ़ दल के लोग ये कर रहे हैं। ये पहला दौर ऐसा समाज में और हमारी राजनीतिक संरचना में है जब सिर्फ विपक्षियों के पीछे करप्शन के आरोप लगते हैं। अब बहरहाल, अगर आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी से बुधवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद शुक्रवार को ईडी ने उनको फिर बुला दिया है। सोमवार को 10 घंटे पूछताछ हुई, मंगलवार को 11 घंटे पूछताछ हुई और बुधवार को 8 घंटे, जैसे मैंने बताया 11:30 बजे शुरू हुई बातचीत, 10 बजे तक हुई, बीच में कुछ ब्रेक हुए। अब प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया, प्रोटेस्ट किया, सोमवार से लेकर के और बुधवार तक लगातार उनकी पिटाई हुई, यहाँ तक कि
कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि उनके दफ्तर में घुसकर पुलिस ने पीटा, यानी ईडी वहां टॉर्चर कर रही थी राहुल गांधी को और बाहर कांग्रेसी पीटे जा रहे थे पुलिस द्वारा। टॉर्चर इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को घंटों बैठाकर आप एक ही बात पूछते रहिए तो वो टॉर्चर ही है। अभियोजन की, इन्वेस्टिगेशन की जो भी प्रक्रिया पूरी दुनिया में वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसमें किसी एजेंसी को इविडेंस स्वयं इकट्ठा करना पड़ता है मेहनत से, और वो आप फिर मुकदमा चलाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हमारा कहना है, कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, कि अगर ईडी के पास ठोस प्रमाण है, उसका इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट है, तो वो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं, उनके पास एक्शन लेने का अधिकार है। लेकिन किसी बड़े नेता को, किसी प्रतिष्ठित नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सामान्य हो, आम हो, खास हो, आप उसको सुबह बुला करके रात को छोड़ेंगे, इज इट नॉट ए टॉर्चर? कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 22 भले ही वो इस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल ना हो, लेकिन अगर उसकी भावना को देखिए, उसकी स्पिरिट को देखिए, तो उसमें बिल्कुल साफ है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती कोई एजेंसी किसी के मुंह में अपनी बात डाल दे, मजबूर कर दे कि एजेंसी के लोग जो चाहते हैं वही वो व्यक्ति बोले। ये कमाल की बात है। आप कितने दिन पूछते रहेंगे भाई, कितने दिन पूछते रहेंगे एक ही तरह की बातें? तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के साथ, मैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी का आलोचक रहा हूं और अभी भी हूं। अनेक उनके राजनीतिक कदमों का, उनके फैसलों का हमने विरोध किया है, आलोचना की है अपने कार्यक्रमों में, अपने लेखों में, अपनी टिप्पणियों में। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी के साथ वाकई ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। अगर आप उनके बारे में, उन पर शक है, उनके खिलाफ इविडेंस लाइए और आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन दिस इज नॉट द वे कि आप सुबह से लेकर रात तक बैठाएं और लगातार कई कई दिन बैठाएं। ईडी अपनी विश्वसनीयता खो रहा है और यह शासन अपने लोकतांत्रिक स्वभाव को, वाकई उसका इरोजन हो रहा है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।